गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आपके टिप्पणी वाले में बहुत अच्छे हो। न्यू ब्लॉग में आपका आज रात का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 11 बजे। और मैं आ चुकी हूँ अपने हॉल में बाहर, ये अंदर थोड़ा सा खाना वाना खा रही हूँ। मैंने तो आज छुट्टी दी थी, आज को खाना वाना खा लिया अभी थोड़े टाइम के लिए। और आप बताइए, आप लोग क्या कह रहे हो? सॉरी इतने दिन ब्लॉग ना डालने के लिए, कुछ वजह हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो। और जिसमें आज के ब्लॉग में दोस्तों, मैं आपको ना एक मतलब ऐसी रेसिपी दिखाऊंगी ना, जो हमारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, उनके लिए बड़ी ही परफेक्ट रेसिपी। क्योंकि बहुत लोग ना मुझसे भी आके ऐसी बातें करते हैं कि ये देखिए हमारी आंखों के नीचे कैसे हो गया, ये कब आराम मिलेगा, कैसे होता है, ये क्यों होता है। दो चार लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने कहा क्यों ना अब सबको बताया जाए कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। और बड़ा ही इजी ट्रीटमेंट बताऊंगी, बड़ा ही मतलब बिना कोई इतना खर्चे वाला, कोई खर्चा नहीं है उसमें। आपके घर के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसी से हम क्रीम बनाएंगे और इसी से हम अपने आंखों के नीचे लगाएंगे। एक हफ्ता, एक वन वीक सिर्फ लगाना है और आपको फर्क नज़र आएगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है, तो बनाएंगे दोस्तों इस ब्लॉग में हम लोग। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1000 होने वाले हैं, 1000 कर दीजिएगा और वॉचिंग टाइम पूरा कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। कोई भी ब्लॉगर आप लोगों के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, तो सो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट कीजिएगा। हिमांशु गया स्कूल, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं और बाहर का मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब धूप नहीं इतनी ज़्यादा लग रही, थोड़ा सा मौसम लग रहा है कि बारिश वाला होने वाला है। और कुछ नहीं, हिमांशु का आज पेपर था साइंस का, सुबह सुबह बोल रहा था मम्मा मुझे आज सारा ही आता है। तो मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, सारा आता है तो अभी उसका टाइम होने वाला है, तो अभी आएगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा वो। तो चलिए दोस्तों, खाना खा लेती हूँ क्योंकि अभी खाना भी नहीं खाया मैंने, सबसे पहले बात की है आपसे, तब खाना खा लेती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो खाना खाते अच्छी बात। तो दोस्तों ये है दाल, रात को बनाई थी दाल, तो दाल और अचार मैंने रख लिया, चपाती आने वाली है तो मैं खाने लगी हूँ खाना। यहाँ पे अगर आप देखो ना, ब्रूनो भी बैठा हो। ब्रूनो खाना खाने है, खाना खाने है, बोल ठीक जी, बाहर जाना है। ए, इसकी गर्दन सच और कद्दू जी, तो जो क्रीम मैंने आपको कहा था डार्क सर्कल के लिए, जैसे कि हमारे फ़ोन ज़्यादा चलाने से या नींद ना लेने से हो जाते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी क्रीम, इफ़ेक्टिव क्रीम और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली क्रीम, उसे आप 15 दिन 10 दिन स्टोर करके अपने फ्रिज में लगा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है। तो जिनके हैं डार्क सर्कल तो प्लीज़ इसे उपयोग कीजिएगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, फिर रिजल्ट बताइएगा मुझे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, किचन में ही बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला और इतना ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं आपका खर्च होने वाला, 5 से 6 रुपये 7 रुपये इतना भी नहीं होगा भाई, इतने सस्ते में मैं इस चीज़ को तैयार करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, तो देखते हैं चलिए कैसे बनती है, दिखा देती हूँ आपको। आज सबसे पहले मैं बता दूं, हमने आज बनाई है सब्जी भिंडी की, चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं मिलती है यहाँ पे दोस्तों, चप्पल चप्पल गुम हो जाती है हमारी बार। तो यहाँ पे भिंडी बनाई है, यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने अपने लिए शिमला मिर्ची बनाई है, क्योंकि मुझे भिंडी नहीं खानी थी तो शिमला मिर्ची थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है। अब दिखा दूँ आपको, ये देखिए इतनी सी बस बना ली, तो ये सिर्फ मेरे लिए मैं ही खाऊंगी। तो दोस्तों अभी चलते हैं क्रीम की और, क्रीम कैसे बनती है, क्या क्या मटेरियल डालना है और कितना खर्चा है बताइएगा मुझे, कितना खर्चा आएगा इसमें। तो चलिए देख लेते हैं और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, लगाइएगा। एक हफ्ता आप लगानी है आपको, सिर्फ एक हफ्ता यूज करनी है आपको, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो आप रिजल्ट देख के हैरान हो जाओगे। आप फ्रिज में इसे स्टोर कीजिएगा और इतनी बना लीजिएगा, मतलब मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनाऊंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी ज्यादा नहीं बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्रीम मैंने ले ली है एक कटोरी और क्या क्या डालने वाला ये भी आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि ये क्रीम तो झटपट बनने में मतलब रेडी रहती है हमेशा ही, बहुत छोटे टाइम में। अगर आपको लग रहा है ना आपके पास टाइम नहीं, आपने जल्दी से जाना है, बस रात को इसे जल्दी से बनाओ, जल्दी से लगाओ और सुबह उठ के देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए आ जाइए, बता दे
यहाँ पे मैंने ले ली एक खाली कटोरी से, बहुत अच्छे से मैंने कर लिया क्लीन। और सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, इतना सा ही डालूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इतनी क्वांटिटी में नहीं बनानी है, इतनी मतलब लगती नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी पहले बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद डाल देनी है थोड़ी सी कॉफी पाउडर, जो कि पाउच मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इतना सा मतलब हाफ आप डाल सकते हैं, अगर 2 चम्मच दूध है तो हाफ कॉफी पाउडर डाल सकते हैं। और थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे हम लोग टर्मरिक मतलब हल्दी, थोड़ा सा और ले लूं, तो ये मैंने ले ली है हल्दी। और उसके बाद हमें बाजार वाली एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा जेल है उसे यूज करना है, तो कम से कम 1 चम्मच के पास तो आप एलोवेरा डाल लें। और उसके बाद इसे करेंगे मिक्स। और मैंने देखिए इन सारे मटेरियल्स को कर दियो मिक्स। अभी मुझे ना थिक बनाना है इसे थोड़ा सा, और इससे पहले कि कुछ थिक बनाऊ मैं इसे करूं, मैं इससे पहले डाल लेते हैं अभी विटामिन ई का कैप्सूल, जो के मार्केट में बड़ी ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। इसे काट लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं। ये मैंने डाल दिया है विटामिन ई का कैप्सूल, और अभी से शेक करते जाना है, अभी से हिलाते जाना है थोड़ा समा, क्योंकि इसे ना थिक करना है बहुत ही मतलब जैसे कि ये लग जाए स्किन के ऊपर, इतना थिक बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको टाइम, बाकी और कुछ नहीं डलने वाला है दोस्तों। इतनी सारी चीजें हैं, मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि हाँ जी मैंने अप्लाई किया, ये मत कहिएगा अभी ये आपने फेस पे क्यों नहीं आपने किया, पर मैं करूंगी। इसे थिक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो फिर ब्रश की सहायता से हम अपने फेस पे इसे कर सकते हैं। मैंने सोचा आपसे बातें करते करते ना मैं इसे कर लूं तैयार, क्योंकि ये रेमेडी बिल्कुल तैयार है, इतना कुछ ही पड़ेगा दोस्तों। आपके पास हल्दी भी होगी, आपके पास विटामिन का कैप्सूल भी आसानी से होगा, और एलोवेरा जेल तो आजकल सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। मेरे पास तो ये भरी पड़ी थी, खत्म हो गई है, मैंने ऐसी सारी चीजें बना बना के इसे खत्म कर दिया है, तो दूध भी सबके घर में होता है। और सारे मटेरियल्स ऐसे हैं, सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, तो आप एक बार मेरे कहने पे ना एक बार बना के और अप्लाई करके फिर 1 वीक मुझे यूज करके बताइएगा कैसी। ये जितनी बन रही है ना, ये सिर्फ 1 वीक के लिए ही है, 1 वीक ही चलेगी, उसके बाद नहीं चले, खत्म हो जाएगी ये, क्योंकि हर रोज डेली रात को लगाना है इसे, और 10 से 15 मिनट रखना है इसे, फिर वॉश करना है और फिर इसका रिजल्ट देखना है। तो दोस्तों आज का दिन तो कुछ ऐसे ही निकला है, बस और कुछ नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको पसीना भी मेरे फेस पे नजर आ रहा होगा कितना ज्यादा हो गया है। आज ना मौसम अच्छा है पर हवा नहीं, इसी वजह से गर्मी बढ़ गई है। और मुझे ये सारे काम ना ज्यादातर मोस्टली किचन में करने होते हैं, मैं अंदर जाके नहीं करती हूँ, अंदर जाके ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे होते हैं ना, फिर शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है। तो ये देखिए बन गई है हमारी क्रीम, तैयार हो गई, इतनी थिक हो गई है ना ये, इसकी जो है ना मतलब फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी आ रही है, कॉफी डाली हुई है ना इसमें। तो चलिए दोस्तों ये ट्राई भी कर लेते हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना है। 1 चम्मच दूध लेना है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1 चम्मच दूध लेना है, 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है, और 1 कैप्सूल लेना है विटामिन ए का, और फिर क्या लिया था, हल्दी लेनी है थोड़ी सी, और कॉफी लेनी है थोड़ी सी, उन्हें मिक्स कर देना, अच्छे से मिक्स करते जाना है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, क्रीम के बेस में आ जाएगा। तो अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ, शीशे मैंने रख लिया अपने पास, मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ दोस्तों इसे कैसे अप्लाई करना है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, मैं आपको बता देती हूँ इसे, तो आप ऊपर वाले हिस्से पे भी लगा सकते हैं इसे, ऊपर वाले हिस्से पे लगाओगे तो, क्योंकि इसमें भी हो जाता है ना प्रॉब्लम, तो फिर ये वाला साफ और ये वाला नहीं साफ होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने ये हिस्से पे अपना अप्लाई कर लिया है, और मैं दूसरे हिस्से पे भी अप्लाई करूंगी, इसे आप 10 दिन 15 दिन स्टोर करके रख सकते हो, इसमें कोई नहीं है वो भी आप स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करके आप डेली रात को यूज कर सकते हो इसे, बहुत ज्यादा फैल चुका है।
इसे 200 से इतना 10 मिनट रखने की जरूरत है, इतना ज्यादा समय नहीं है, आप 10 मिनट रख के इसे वॉश कर सकते हो हल्के हाथों से। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ कर लिया है, इसे अच्छे से लगा लिया है और ये इतनी क्वांटिटी में बचा हुआ है, ये आपके 10 और 20 दिन 10 से 15 दिन निकल जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा नहीं लगता है। एक बार बनाइएगा, इसे स्टोर कर लीजिएगा इसे और डेली रूटीन में लाएगा। 1 वीक बताइएगा मुझे, 1 वीक में क्या आपको रिजल्ट मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसे 10 मिनट रख लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं मुझे लगाए, अब ये सूखने लगा है और आपने देखे थे मेरे ब्लैक सर्कल थे यहाँ पे, डार्क सर्कल थे यहाँ पे। और मैंने ना बहुत दिनों पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कोई क्रीम ऐसी बनाऊंगी जिससे कि इफेक्टिव हो, और मैं अपने लिए पहले बनाई और मैंने अपने लिए पहले मैंने अपने पे अप्लाई किया है और तब मैं आपको जाके बता रही हूँ। अभी मैं इसे रिमूव करने वाली हूँ, उतारने वाली हूँ। तो मैंने एक साफ कपड़ा ले लिया है जो मुझे मिला, मैंने वही ले लिया। आप नैपकिन ले सकते हो, आप वाइप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पर मैंने ये कपड़ा ले लिया। मैं धो भी सकती थी पर आपको इससे पता नहीं चलेगा, तो मैंने इसलिए कपड़ा लिया। तो मैं इसे अभी करूंगी रिमूव अच्छे से। वाओ, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मुझे खुद से ना ये फर्क नजर आ रहा है, मुझे खुद से पता चल रहा है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा ब्लैक था पहले, पर अब भी थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आ रहा है, यानी कि 20% जो है मुझे फर्क नजर आ रहा है। तो मैं ऊपर से भी कर लेती हूँ रिमूव। ये आप धो के हल्की मसाज भी कर सकती हो, मैंने आपको दिखाना था ना दोस्तों, तो इसलिए मैंने मसाज नहीं की, मैंने सिर्फ इस कपड़े से साफ कर दिया। ग्लो भी लग रहा है मेरे फेस पे, वाओ सच में रिजल्ट अच्छा है यार इसका, वाओ। मैं तो अप्लाई करूंगी भाई इसे, मैं तो करूंगी 100% करूंगी और अच्छा रिजल्ट पाऊंगी, मुझे पता है अच्छा रिजल्ट पाऊंगी। ये देख लीजिए बड़े अच्छे से ये पूरा व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, पहले मेरा ना ब्लैक नजर आ रहा था नीचे, पर अभी इतना ज्यादा नहीं है, पर इतना ज्यादा नहीं है, फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। तो मैं तो अप्लाई करूंगी, लग रहा है ना तुझे? लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यस, तो सामने वाले बंदे को पता चलता है ना देखने में कैसा रिजल्ट है। तो रिबिका ने भी बता दिया है मुझे कि रिजल्ट अच्छा है, तो अभी मैं थोड़े टाइम में वॉश कर दूंगी। मुझे ना ग्लो स्किन के ऊपर ग्लो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉफी डली थी इसने और दूध डला था ना, दूध और कॉफी से तो ग्लो आता ही आता है, तो उसी ग्लो की वजह से मेरा ये वाला एरिया ना अब ब्लैक नहीं लग रहा, शाइनी लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। तो मैंने तो दोस्तों ये अप्लाई कर लिया और मैंने इसे फ्रिज में स्टोर करके रख लिया है 10 दिन तक। अब 10 दिन रोज डेली रात को, कोशिश करिएगा आप रात को ही लगाइएगा क्योंकि सुबह जब हम लगाते हैं तो सुबह हम दिन में कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई भी काम मार्केट में हो करने जाते हैं तो फिर वो डस्ट पड़ती है, तो इतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं, रिजल्ट नहीं आता है। नाइट को लगाइएगा, रात को लगा के साफ करके क्लीन करके सोइएगा और रेस्ट दीजिएगा अपनी आईज को, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो बताइएगा मुझे ये आपको कैसा है, ये मतलब ये है जो क्रीम वाला था कैसा लगा आपको, और अगर आप अप्लाई करते हो तो रिजल्ट कैसा लगा प्लीज। तो अभी मैंने कर लिया है वॉश, अभी मैं फेस वॉश करके आई, तो आप देख सकते हो फर्क बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में क्या होता है ना, मेरे जो है ना मेरे नाइट को लेट सोना या फिर मोबाइल को देखना ज्यादा, तो उसी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैं इस प्रॉब्लम को तो रिमूव करके हटूंगी, पक्की बात है ये। और दोस्तों आज ना मैं सबसे बड़ी बात एक और चीज करने वाली, मुझे याद ही आ गया, मैं आज अपना वेट भी करने वाली हूँ कि मेरा वेट कितना हुआ। आपको पता मैं एक दिन आपको बताया था, मैं जिम गई थी एक दिन, तो मैंने जिम में ना वो देखा था वहां जाके, पर मुझे ना कुछ चीज कुछ रूल्स जो है वो जिम के अच्छे नहीं लगे। आप पूछोगे कौन से रूल, मुझे ना वो जो लड़के लड़के एक साथ वर्कआउट करते हैं मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैंने इसलिए भाई जिम मतलब कर दिया, इग्नोर कर दिया अभी। तो हमारे यहाँ आसपास ना बहुत सारे जिम हैं, पर सारे जिम में ना लड़कियां और लड़के इकट्ठे वर्कआउट करते हैं, तो वो सारे वर्कआउट वहां के कोच जो थे वो सिखा रहे थे और वो थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब लड़कों के बीच में वो मुझे पसंद नहीं, होता है ना अपना अपना नेचर होता है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, अच्छी बात है जो लोग करते हैं, मुझे वो चीज पसंद नहीं है इसलिए मैंने अवॉइड कर दी जिम। एक ही दिन गई थी मैंने, सिर्फ देखना था कि कैसे, जहाँ पे लड़कियों का टाइम अलग हो लड़कों का अलग हो ऐसा कुछ हो तो भी चलता है, तो लड़के और लड़कियां एक ही साथ आते जाते थे, तो इसलिए मैंने उसे
कैंसिल कर दिया। और अभी दूसरी जगह जिम देख रही हूँ मैं, ट्राई कर रही हूँ अगर कहीं और मतलब है लड़कियों का हो इकट्ठा, चलो बट टाइम हो। कई बार होता है ना कई लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इकट्ठे, तो मैं अनकंफर्टेबल ही होती हूँ इसलिए मैंने नहीं किया। तो घर पे मैं वैसे कर रही हूँ अपनी जिम, तो देखते हैं वेट का क्या बना है। वेट मेरा 54 था, 54 के करीब था, 55 लगा लो, थोड़े पॉइंट कम थे। और अभी करती हूँ मैं आपको, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरा वेट कितना हुआ है, क्योंकि वेट का बढ़ना जो है वो नुकसानदायक होता है हेल्थ के लिए, हर हेल्थ के लिए आपका वेट जो है मेंटेन होना चाहिए। 52 के करीब लेडी का वेट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो 52 के करीब कर रही मैं, उससे भी शायद नीचे ले जाऊँ मैं, ऐसी कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, बीका बोली मेरा 53 है जी, थोड़ा सा ये ऊपर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, एक्सरसाइज कर लिया सर थोड़ी नहीं, ऐसे करती नहीं होती एक्सरसाइज। वैसे तो इसकी हेल्थ जो बहुत ही अच्छी है, मेंटेन कर लिया है इसने, पहले मोटी थी ये, पहले एक लड़की है ना, मैंने इसे बोलती रहती थी कि इतना मोटी जो है लड़की अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती, तो इसने अपने आप को किया। अभी ये पतली स्लिम ड्रिम हो गई है भाई, अभी नहीं इसे कोई भी कहता मोटी है, अभी तो पतली हो गई। तो चलिए मैं अपना वेट आपको बताती हूँ, करती हूँ मशीन को लेके आती हूँ और फिर करती हूँ वो मशीन जो मैं अपने बेड के अंदर डाल के रखती हूँ, कि बच्चे जो है ना, बच्चे सेफ नहीं रहने देते ऐसी चीज़ों को, बार बार उसे ज्वाइन करते देखते कितना, एक घंटे में बढ़ता है कोई, एक घंटे में घटता है कोई, ऐसा नहीं होता, तो बच्चे गेम बना लेते हैं, इसलिए मैंने रखी हुई संभाल के। तो मैं जी अपनी मशीन को निकालती हूँ, उसके बाद मैं अपना वेट दिखाती हूँ आपको भी कितना है आज मेरा वेट। वैसे मैं घर पे एक्सरसाइज, दो चार एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, वो कर रही हूँ, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करना ना सबसे बड़ी बात होती है। हेल्थ अच्छी है तो भाई सब कुछ अच्छा होता है, तो अपना हेल्थ का आप लोगों को भी ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं वेट कितना है मेरा। मैंने ये जो क्रीम दिखाई है ना, सच में ये जीरो शो कर रहा है ना दोस्तों, अभी मैं इसके ऊपर चढ़ूंगी मशीन के ऊपर और देखती हूँ मेरा वेट कितना है। जीरो आपके सामने है, अभी बंद हो गई तो नहीं, ऐसे ही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अभी मैं चलते हैं ऊपर। ओह माय गॉड, 57 यस, पहले कितना था, फिर से एक बार एक बार फिर से। अरे बाप रे, 57 हो गया मेरा वेट, तो ये बहुत ही हैरानगी वाली बात है। मुझे लग रहा है मैं पतली हो रही हूँ, मैं स्लिम हो रही हूँ, पर ये तो और बढ़ गया, 57 आ गया है। तो वेट तो भाई घटाने की वजह से बढ़ गया है, और मेरी टेंशन भी बढ़ गई है, अभी वेट कम होने की बजाय बढ़ रहा है। पता नहीं मेरी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्या हो गया, सबका वेट बढ़ा हुआ है, हिमांशु का भी बढ़ा है और जीविता का भी बढ़ा है, सबका बढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मशीन तो खराब नहीं हो सकती, खैर हमारा ही वेट बढ़ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, टेंशन के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे खत्म, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, नए दिन में, नए हफ्ते, और बने रहिएगा स्माइली ब्लॉग के साथ, मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत 1000 होने वाले हैं, प्लीज इसे कंप्लीट कीजिएगा, मेरे वॉचिंग टाइम को पूरा कर दीजिएगा, और आपकी सपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए, मतलब हर एक बंदा सपोर्ट करे, हर एक इंसान, आज मेरी भाई भाई मेरा बहन, हर एक जन मुझे सपोर्ट करें इस चैनल में। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, खुश रहिएगा, बाय बाय।